अभी आप ट्रैक देख सकते हैं, मैं हाफ एक्सीलेटर पे एंजॉय करता जा रहा हूँ। मैं फुल एक्सीलेटर इसलिए नहीं दे रहा कि रेतली जगह है, मैं स्लिप ना कर जाऊँ। मैं यहाँ तो थोड़ी सी खींचता हूँ, थोड़ी ऊंचाई आ गई है सारी, जैसे आप देख सकते हैं सस्पेंशन परफेक्टली वर्क कर रही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत होंगे। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज इलेक्ट्रिक बाइक आ गई है भाई होंडा की अपने पास। हम इसका कर रहे हैं जी आज रिव्यू, और आपके साथ शेयर करेंगे इसकी मज़े मज़े की चीज़ें। और क्या चीज़ है ये, थोड़ा सी मैं आपको बता ही देता हूँ। सबसे पहले बता दूँ, ये होंडा की आती है इलेक्ट्रिक बाइक है, ये यूबी क्रॉस मॉडल है इसका। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो स्पेशल एडिशन बनती है, इसके ऊपर कस्टम ये पेंट हुआ हुआ है, ठीक है। इसको हाइड्रो डिप भी कहते हैं, और काफ़ी मॉडर्न लुक के अंदर है। जितनी भी पाकिस्तान में अगर अभी देखें घूम रही हैं तो वो उनसे काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर आप इसकी स्पीड और रेंज की बात कर लें तो सबका दिमाग फिर जाता है कि पाकिस्तान में जितनी भी बाइक्स हैं उनका ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है। लेकिन आज मैं प्रैक्टिकली आपको मैं बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, और पाकिस्तान में जो बिक रही हैं उनका क्या सीन है। ये बहुत डिफरेंट है उन बाइक से, ये बाइक उनकी बाप है ये, ठीक है ना। सीधी सी बात है, जितनी भी अभी पाकिस्तान में चल रही हैं उनकी बाप है ये, बिकॉज़ एक तो ये होंडा की ऑफिशियल है, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसकी जो परफॉर्मेंस है उन सबसे बेहतर है। कैसे बेहतर है मैं आपको सारी बात बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसका मॉडल और स्पेसिफिकेशन स्टार्ट करता हूँ। ये है होंडा यूबी क्रॉस, ठीक है। और ये इनका एक ऑफ रोडिंग वेरियंट आता है जिसके अंदर टायर्स भी ऑफ रोडिंग होती हैं और सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छी होती है। और अभी मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा इसका प्रैक्टिकली, जो भी इसका मैं चला के आया हूँ और क्या सीन है मैं सारी बातें बताता हूँ। सबसे पहले हम स्पेसिफिकेशन के ऊपर जाते हैं। इसके अंदर जो आपकी मेन मोटर है ये होंडा की आती है, सॉरी बॉश की आती है इसके अंदर, और होंडा की ब्रांडिंग भी हुई हुई इसके ऊपर आप देख सकते हैं। और इसके अंदर बॉश की मोटर और बॉश का ही सारा कंप्यूटर इसके अंदर आता है, ठीक है। बॉश एक बड़ा ब्रांड है, ठीक है, जो कि बड़ी गाड़ियों के अंदर सारा सिस्टम देते हैं। तो इस मोटर भी यूनिक कंपनी की लगी हुई है, और ये 3.2 हॉर्स पावर बनाती है, ठीक है, 3.5 हॉर्स पावर बनाती है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी पावर है इसकी, और दो बंदे बैठा सकते हैं आप। इसके पीछे एक एक्सटेंडेड सीट भी लगती है, तो अगर सीट लगाना चाहें तो दो बंदे बैठ के ये आपको खींच लेगी आराम से, ठीक है। तो ये इतनी सी इसकी स्पेसिफिकेशन है। अब आ जाते हैं जी बैटरी की तरफ। बैटरी का बड़ा सिस्टम है जी। सबसे पहले हम इसको अनलॉक करते हैं, पता नहीं किस तरह होती थी। बेसिकली इसका रिमोट है, साथ में एक की है, ये कीलेस भी चलती है, ठीक है। अभी ये लॉक है तो इसलिए नहीं घूम रही थी, अभी अनलॉक करूँगा तो ये देखें। अभी मैं ट्रंक इसका खोल के दिखाता हूँ, डिग्गी इसकी। इसके अंदर आती है जी लिथियम बैटरी। जितनी भी पाकिस्तान में अभी बाइक्स फिर रही हैं, पहले मैं इसकी पावर के बारे में बता देता हूँ। ये इसका मॉडल है, ठीक है जी, आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप भी देती है, ये पूरा पैक है। इसको हम डिस्कनेक्ट करें तो पूरा पैक बाहर आ जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं इसके आपको ना अलग से वीडियो दिखा दूँगा, अभी मैं खोल नहीं रहा क्योंकि अभी मैंने चलानी है, ठीक है। इसका ये पावर कट ऑफ का एक मेन स्विच भी दिया हुआ है, और ये जस्ट इस तरह बंद हो जाती है। बाकी आपने स्टार्ट करनी हो तो बस आपने अनलॉक करना है, चाबी आपकी जेब में हो बेशक, ये स्टार्ट हो जाएगी। ये इसका मेन मीटर है जिसना कि देख सकते हैं। और ये मैंने जो शोरूम से लेकर आया था 560 थी मेरे ख्याल से, और उसके बाद मैं चला चुका हूँ। मैंने फुल चार्ज की थी 588 पे, इसी तरह कुछ की थी, ठीक है। और उसके बाद अभी मैं 606 तक चला चुका हूँ, ठीक है। और इसकी रेंज है 70 किलोमीटर, टॉप स्पीड है इसकी 40 किलोमीटर। अब यहाँ पे आके आप लोग कहते हैं यार यादिया की या किसी और ब्रांड की ले लेते, उसके अंदर आपको रेंज अच्छी मिल जाती है, उसके अंदर आपको स्पीड अच्छी मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर जो गंद है ना, पाकिस्तान में जितनी भी अभी बिक रही हैं उनके अंदर आती ग्रेफीन बैटरी, वो कोई प्रैक्टिकल नहीं है भाई, वो एक नॉर्मल जेल बैटरी है जो कि इतनी रिलायबल नहीं है। ये है लिथियम बैटरी, इसके 1000 साइकिल हैं, ठीक है, मतलब 1000 आप मरतबा इसको चार्ज कर सकते हैं। और एक चार्ज पे ये 70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर देती है, और ये रेंज हम टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि यार ये देती है कि नहीं। मैं तो इसको फुल थ्रॉटल पे चला रहा हूँ क्योंकि 40 थोड़ी कम स्पीड है, हाँ स्पीड के मामले में कम है। अगर स्पीड थोड़ी ज़्यादा दे देते तो रेंज भी कॉम्प्रोमाइज़ थी, स्पीड थोड़ी ज़्यादा दे देते, लेकिन चले कोई नहीं,
एक और चीज़ मतलब ये बताऊँ, इसको अगर आप चला रहे हो ना नॉर्मल सड़कों पे, वहाँ पे आपको 40 भी इनफ लगती है, लेकिन हाईवे वगैरह पर जाएँ वहाँ पे थोड़ा मसला करती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वहाँ पे 40 अबव स्पीड चाहिए। तो बाकी अगर अंदर अंदर चलानी है तो उसके लिए बड़ी कमाल की चीज़ है, सस्पेंशन वाइज बहुत अच्छी है और सारी इम्पोर्टेड है। अगर आप पाकिस्तानी चीज़ के साथ कंपेयर करें, जितनी भी यहाँ पे बिक रही हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। DRL आगे आती है इसके, ठीक है, इसके आगे एक प्रोजेक्टर लैंप भी है जिसमें देख सकते हैं ये, और पीछे ब्रेक लाइट और इंडिकेटर्स भी इसके अंदर दिए हुए हैं, ये जैसा कि देख सकते हैं। तो क्वालिटी वाइज नो कॉम्प्रोमाइज़, आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम ब्रेक है और ये ABS के साथ आती है, पिछली ABS से आगे ABS नहीं है। तो ये पाकिस्तान में जितनी बाइक्स बिक रही हैं ना उनके अंदर ABS नहीं है। बैटरी ख़त्म हो जाती है, टेंशन नहीं लेनी, पैडल भी दिए हुए हैं, पैडल मारो और गुड टू गो है। बाकी मैं हैंडल दिखा देते हैं, एल्युमिनियम का इसका हैंडल आता है, ठीक है, यहाँ पे इसके स्विचेस हैं, यहाँ से आप इसकी लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये पार्किंग है, अभी पार्किंग पे इसको मैं दबाऊँगा तो ये रेडी लिखा आ जाएगा और ये चलना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर इंडिकेटर्स हैं और ये इसका हॉर्न है। यहाँ पे USB चार्जर भी दिया हुआ है अपना मोबाइल वगैरह लगाना हो, और यहाँ पे हुक दी हुई है, काफ़ी मजबूत है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सामान भी आप लटका सकते हैं। बाकी यहाँ पे इसकी बैटरीज नहीं आती, यहीं पे आती है और यहाँ पे इसका चेसिस कोड लिखा हुआ है। और मज़े की बात यह, ये बाइक रजिस्टर भी नहीं होती, ये ऐसे ही आप ख़रीद के बस चलाओ। प्राइस में थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, इसकी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डिज़ाइन अभी आए हुए हैं जो 3,40,000 से स्टार्ट होते हैं, 3,70,000 तक जाते हैं, ठीक है। ये इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है क्योंकि ये UB क्रॉस है। इसके टायर्स अगर आप देख सकते हैं, कॉर्डियल के टायर आते हैं और इनकी आप थ्रेड देख सकते हैं कितना हैवी है। तो ये बेसिकली ऑफ रोडिंग के लिए बनाए हुए हैं। और बाकी डिस्क ब्रेक की आप क्वालिटी देख सकते हैं, होंडा की है तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है, क्वालिटी में आपको कहीं से भी चीप नहीं लगेगी। इवन थॉट कि इसकी आप सीट्स की देख सकते हैं, स्टिचिंग वगैरह कितनी लाजवाब हुई हुई है। और यहाँ पर ग्रैब रेल दी हुई है जो कि आप इसकी बाइक को उठा के इधर उधर करना हो, और हर चीज़ के ऊपर प्लास्टिक की केसिंग दी है कि ये टूटे ना, मतलब कि स्क्रैच ना पड़े। और ये सारी जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे यूबी क्रॉस का यहाँ पे स्टिकर होता है, लेकिन इसके ऊपर अभी पेंट हो चुका है, ठीक है, कस्टमाइज पेंट है। तो ये सीन है सारा। अभी हम छोटी सी राइड लेते हैं इसकी और आपको दिखाते हैं इसका मज़ा कि क्या चीज़ है, साथ लीजिएगा। सो बॉयज़, ये जस्ट क्लिक करना है, माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे, तो माइक का कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। अभी मैंने चलाना शुरू कर दी है और ये बहुत ही मज़े की है। अभी बिल्कुल हल्की थ्रॉटल पे निकाल रहा हूँ और ये है जी साइकिल ट्रैक, और इस पर हम भगाना शुरू करते हैं। ये देखिए, इनिशियल टॉर्क इसका बहुत मज़े का है, मज़ा आ जाता चला के। तो ये ऑफ रोडिंग वाली जगह पे जान के लेकर आया हूँ, किसी सस्पेंशन का अंदाज़ा हो मुझे, तो मुझे कोई भी बम्प्स या कोई खड़खड़ फील नहीं हो रही, स्मूथ। और ये देख ले, वन हैंड चला रहा हूँ, ये क्या आ गया, लो जी ऊंचाई आ गई। और ये बहुत ज़्यादा स्लोप है, ओह बड़ा इजीली निकाल लिया इसने तो ये कमाल था यार, मुझे डर था कि चढ़ेगी नहीं। ये देखें जी, ये पत्थर आ गए जी, पत्थर, पता नहीं आपको व्यू कैसा आ रहा है, चेस्ट माउंट लगाया हुआ है, आई होप कि अच्छा आ रहा होगा। ऐसा बहुत मज़े की चीज़ है, वन मोर स्लोप, इजीली भाई इजीली भाई, बाइक ना प्रैक्टिकली है, मज़े की है,
स्पीड भी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी ठीक है, ठीक है ना, और सस्पेंशन तो लाजवाब है। अभी आप ट्रैक देख सकते हैं, मैं हाफ एक्सीलेटर पे इंजॉय करता जा रहा हूँ। मैं फुल एक्सीलेटर इसलिए नहीं दे रहा कि रेतली जगह मैं स्लिप ना कर जाऊँ। मैं यहाँ तो थोड़ी सी खींचता हूँ, थोड़ी ऊंचाई आ गई है सारी, जैसे आप देख सकते हैं सस्पेंशन परफेक्टली वर्क कर रही है। टायर्स की बात आपको आ रही हो, चले जी अब हम आ गए बाहर की तरफ। ले जी ये हो गया हमारा यहाँ का टेस्ट, बहुत ही मज़े की रही है राइड। अब हम थोड़ा सा रोड पे भी आपको दिखा देते हैं रोड पे कैसी परफॉर्म करती है और ट्रैफिक में आपको प्रॉब्लम देती है कि नहीं। तो अभी हम रोड पे आना शुरू हो गए जी। चलें ये पहला स्पीड ब्रेकर आया जी, ये 40 की स्पीड में जा रही है टॉप स्पीड। ब्रेकिंग ये चेक करें जी, लाजवाब ब्रेकिंग है। प्राइस में कुछ ज़्यादा है लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए आपके हर काम पूरे करती है ये। बस ये हाईवे पे नहीं जा सकती, यहाँ पे फेल है, मतलब मेन रोड वगैरह पे। खैर अभी ये भी मेन रोड ही है किस्म की, लेकिन इस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है। ये 50 की बना देना एक प्लेट इधर ही। हाँ जी इधर, हाँ हाँ मज़ा ही आ गया। हाँ जी दाल दाल, गर्मी इतनी है ना भूख भी लग गई। कौन सी चटनी है, पुदीने की जी? ऐसे डालनी है ओए छिंटे, केचप है। क्या बात है जी, क्या बात है। चलो हाँ हाँ मज़ा आया। तो बॉयज़ ये थी वीडियो, उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी और बाकी कल के लिए भी कंटेंट रखते हैं अगली वीडियो के लिए। और क्या फीचर्स हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछें मुझसे, क्या प्रैक्टिकल जो भी है, जो भी सवाल आप पूछ सकते हैं मुझसे। बाकी कल की वीडियो में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। मुझे दीजिएगा इजाज़त, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। ओके जी अल्लाह हाफिज़। मेरे आगे भी इलेक्ट्रिक जा रही है मेरे ख्याल, यहाँ तो बेस्ट है, लेट्स सी चेक करते हैं। यही बाइक है, यही बाइक है। हाँ कितनी रेंज है इसकी, टॉप स्पीड है 70 है ये 40 तक जाता है 70। सिंगल लिथियम है, इसमें ग्रेफीन है ना। क्या कितने की है ये? अच्छा TCS है। लो ठीक चलो, ये 3.5 लाख इतने की है।